नमस्कार साथियों, मैंने कल व्हाट्सएप ग्रुप पे रविंद्र जी का मैसेज दिया था। लगातार मैं टॉप में 8 साल से संघर्ष करता हूँ और संघर्ष भी केवल किसानों के लिए करता हूँ। जैसे बीएड की और बीएड में मैंने संघर्ष किया, ऐसे बीएड में संघर्ष ऐसे किया कि यहाँ के जितने भी बीएड संस्थाएं हैं वो बच्चों को पढ़ाना ही चाहते हैं और जो पढ़ने आते हैं उन पर आरोप चोकती है, तरह तरह के दबाव डालती है ताकि वो पढ़ने नहीं आए और इनको मोटा डोनेशन दे देते हैं। हाँ, मैंने 5 रुपए से स्टार्ट किया और सेंट सोन जब जेपी पटेल कॉलेज में बीएड की, वहीं से मैंने भूमि अधिग्रहण भी 2014 में मोदी जी लेके आए थे। उसमें यह था कि जहां भी हाईवे निकलेगा उसके 3 किलोमीटर होली साइड 3 किलोमीटर पहली साइड वो इसी वजह नहीं, जो उद्योगपति को मन में आता वो ले। तो हमने उस वक्त ये सोचा कि सिंचित जमीन को ले उद्योगपति देगा क्योंकि पानी की जहाँ इसका उसकी तो अच्छी जगह तो वही देगा। उसी वक्त से मैं आंदोलन में जुड़ा हूँ और मैंने कभी अपने सर्विस के लिए फार्म अप्लाई नहीं किया और 365 दिन और 24 घंटे इसी काम में लगा रहता हूँ। मैं कल भी जैसे आया था तो अभी भी टॉप की कहीं मैंने पीड़ाएं देखता रहता हूँ। अभी भी जो टॉप में आंदोलन चल रहा है, एक तो जो किसानों को यहाँ मुआवजा मिला चाहे वो NH-12 हो NH-116 हो, उन पे असिंचित जमीन का मुआवजा दिया गया। कारण ये रहा कि उनकी जमीन को आज भी राजस्व विभाग ने सिंचित नहीं लिखा, जबकि 18/2/2016 को ही राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी कि निशुल्क कमांड क्षेत्र 81,800 एकड़ जमीन को कमांड घोषित किया जाता है। 2011 में अधिसूचना जारी कर दी है जाती है और अपने PLM-14 मतलब डाडा पादरी माइनर नंबर 14 से सेवा रामपुरा की जमीन सिंचित होती है। उसके बावजूद भी उस वक्त उस जमीन को असिंचित माना गया और एक्वायर कर दिया 2010 में अधिसूचना निकाली। उसी वक्त 66 बीघा और 8 बिस्वा जमीन किसी पावर वाले व्यक्ति की छोड़ दी। उसके बाद में 22 को फिर 6 बीघा 7 बिस्वा जमीन की छोड़ दी। वो कौन था? एक कल्पतरु पावर प्लांट का उद्योगपति था जिसकी फैक्ट्री 2013 में बंद कर दी। कितने दिया हुआ है ये सब जो डॉक्यूमेंट बोल रहा हूं मेरे हाथ से निकला हुआ है। अभी मैंने ताजा डॉक्यूमेंट निकलवाया कि आपने सिंचाई विभाग को क्यों नहीं लिखा, आवासन मंडल को, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपने आज दिन तक अधिसूचना भी जारी नहीं की कि यह सिंचित जमीन है। सिंचाई विभाग से मांगा तो सिंचाई विभाग ने कहा कि हमने आवासन मंडल को क्यों नहीं। जमीन जब किसी भी सीमित योजना में चली गई तो उसका पार्ट है, वो किसान के साथ साथ जब पार्ट वाले ही नहीं बोल रहे हैं तो कौन बोलेगा। उसका नुकसान ये हुआ कि अभी जो ये सेवा राम प्राइम नहीं ले रहे ना, इसको 2011 की डीएच दे रहे हैं वो लोग, वो 500 मीटर सड़क से 500 मीटर का मात्र 2.5 लाख रुपए पर बीघा जमीन दे रहे हैं, जबकि वहां की जमीन 30 लाख बीघा 1 बीघा जमीन का जिससे 2.5 लाख दे रहे हैं। ऐसे लूट करते रहे, उस टाइम ले लिया। अब जैसे ही इस सरकार में आप इसमें 37 गांव होते हैं, 37 गांव को 2011 का मुआवजा दे रहे हैं और जमीन आपने एक्वायर कर दिया, जबकि कानून ने भूमि पालन अधिनियम 2013 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप अगर 5 साल तक भूमि का उपार्जन नहीं करोगे तो उस जमीन की DLC और पूरी गणना पुनर् लागू होगी जिस वक्त आप उपयोग में लोगे। तो ये कोई भी पालना नहीं कर रहे, नहीं इसको समझना चाह रहे हैं। हमारे किसान नहीं समझना चाह रहे, हमारे किसानों को ये बेचारे चाहते हैं कि नेता हो जाएंगे। नेता तो बने तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा करे उनको तो बनाओ। जैसे अभी MSP की बात आई कि किसानों ने कहा, एक सेकंड लिस्ट हूं, उसमें बाजरा का MSP 2350 रुपए है, बाजरा 1100 बिक रहा है तो 1100 का नुकसान होता है और कृषि मंत्री कह रहा है कि पार्ले जी इनके बन रहे हैं, इनकी बन रही है। तो ऐसे अब इनके लिए जिनकी पीड़ा खुद भी नहीं उठाए और दूसरा उठाने लगे उसको बदनाम करना चालू कर दे,
इसीलिए हमको मैंने तो ये धारण किया है कि जब तक इस देह में प्राण रहेंगे मैं किसानों के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे कोई बोले या नहीं बोले, जो थे या नहीं। मैं तो जनपुरोकार इसीलिए आएगा कि यहाँ कौन कौन लोग आते हैं, कौन से कौन कौन नहीं आते हैं। प्रोफेसर साहब तो हमारी तकलीफ और कमी को जानते हैं क्योंकि इनसे परिचय पुराना है। यही बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप जब किसी भी काम को अपना मकसद बना रहे पीछे की चिंता न करें, क्योंकि दबाव तो परिवार का भी रहेगा, रिश्तेदारों का भी रहेगा, कुटुंब का भी रहेगा, जो अपने मिलने वाले वो भी कहेंगे कि कमा, ये सब आएगा। तो इसके पीछे आप दौड़ना बंद करोगे तो सब साथ देने लग जाएंगे। और मैं तो शुक्र अदा करता हूँ पूरे समाज का, मेरा साथ दे रहा है और मैं साथ भी देता हूँ। यही मेरी वाणी। बहुत शुक्रिया।